सब्सक्राइब करें कैपिटल न्यूज पलामू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू का सबसे बड़ा खदान पर हुई गड़बड़ झाले की आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की स्वीकृति देकर न्याय मिलने के आसार को जगा दिया, जो सालों से पाटन के कठौतिया समेत इलाके के लोगों की चाहत थी, जिनके रहती जमीन को गैर कानूनी रूप से हड़पने, उन्हें उनके मूल मुआवजे को छीनने की चर्चा जोरों पर थी, मगर माकूल जवाब सरकार से नहीं मिल पा रहा था। देर से ही सही, पर सच के राह को मोड़ा जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। न्याय की राह पर चलने में कठिनाइयां भले ही आ सकती हैं, मगर जो अड़ा वो पार हो गया। इसकी बानगी है वर्ष 2016 से राजीव कुमार के तत्कालीन उषा मार्टिन द्वारा संचालित कठौतिया कोल माइंस की अवैध माइनिंग के खिलाफ जारी संघर्ष का, जिसमें एटक नेता राजीव कुमार ने दावा किया कि अवैध माइनिंग के अलावे वन पर्यावरण एवं गांवों को नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारी एवं उषा मार्टिन कंपनी के मिलीभगत से अवैध रूप से खनन कार्य करवाया गया, जिसकी दायर याचिका हाईकोर्ट ने निरस्त करते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका था, मगर सर्वोच्च न्यायालय ने जुर्माने के साथ साथ हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई की तिथि जहाँ 2019 में निर्धारित कर दी, वहीं जारी अवैध खनन पर रोक लगाने की प्रक्रिया में पढ़ने की उम्मीद भी जगा दी। कैप्टन उसे बातचीत में शैलेंद्र कुमार ने बताया कि माइनिंग गतिविधि के लिए भूमि अधिग्रहण में सीएनटी एक्ट का भी उल्लंघन किया गया, वन भूमि का अवैध हस्तांतरण कर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया गया। वर्ष 2015 में तत्कालीन आयोग के जांच रिपोर्ट में जहां खनन में अनियमितता की पुष्टि की गई, वहीं हाईकोर्ट ने इस विषयों को संज्ञान पर नहीं लिया। यही वजह है कि दायर एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रंजन गोगोई की अदालत ने सुनवाई की स्वीकृति दे दी है। तो मालूम है कि जो उषा मार्टिन पहले कठौतिया के अंदर माइनिंग करती थी और उस माइनिंग को लीज करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, रैयतों को ज़मीन से उजाड़ा गया, वन कानून का उल्लंघन किया गया और साथ ही साथ जैसे कृषि योग्य भूमि दिखाकर इंडस्ट्रियल लैंड दिया गया कंपनी को, इन तमाम अनियमितताओं की जाँच पलामू के कमिश्नर तत्कालीन श्री मिश्रा ने की और उन्होंने आरोप को सही पाया और उन्होंने एक आरोप पत्र जैसे यहाँ के पूजा डीसी तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल और अधीनस्थ अफसरों के खिलाफ लगाया, लेकिन इसके ऊपर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एटक के राज्य सचिव राजीव कुमार इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी गतिशील रहे और उन्होंने सरकार से निराश होकर कोई जवाब न मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के अंदर एक PIL दाखिल किया, जिसको झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। बहरहाल उन्होंने इस लड़ाई को जारी रखते हुए इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर में संज्ञान लिया और इसके बाद दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिजवाइंडर और तमाम तरह के एफिडेविट्स को देखने के बाद अंततः 25 अगस्त को चीफ 25 जनवरी को चीफ जस्टिस के बेंच ने इस केस को सुनवाई के योग्य समझा और SLP को मंजूर कर लिया। हम लोग समझते हैं कि ये शुभ संकेत है और बड़े पैमाने पर जो कॉरपोरेट लूट हिंदुस्तान के अंदर चल रही है ये एक नज़ीर उदाहरण बनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आता है तो कॉरपोरेट लूट पे अंकुश भी लगेगा। एक बड़ी लड़ाई थी और वहाँ की जनता को राहत भी मिलेगी, इसीलिए हम लोग समझते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और इस पहल के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और व्यक्तिगत तौर पर मैं राजीव जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ की जनता की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने के लिए काफ़ी लंबा जद्दोजहद व्यक्तिगत तौर पर किया।